तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम लड्डू में घी की जगह फिश ऑयल और चर्बी वाले तेल के इस्तेमाल का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद इसे लेकर विवाद बढ़ गया है। बता दें कि तिरुपति मंदिर ट्रस्ट ने जुलाई में घी के सैंपल गुजरात की लैब में भेजे थे, जिसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एआर डेयरी नाम की कंपनी लड्डू तैयार करने के लिए मंदिर में घी सप्लाई करती थी। बढ़ते विवाद के बीच अब एआर डेयरी कंपनी का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। एआर डेयरी की ओर से कहा गया है कि ये मामला जून और जुलाई में सामने आया था। हमने तिरुपति मंदिर में 0.1% की भी सप्लाई नहीं की है। स्वीकृति के बाद 4 टैंकर घी दिए गए थे, हमें इसका भुगतान किया गया था। 5वें टैंकर की उन्होंने शिकायत की थी, जिसे हमने चैलेंज किया है। हम प्रतिष्ठित NAPL लैब में परीक्षण और एगमार्क अथॉरिटी की ओर से प्रमाणित होने के बाद ही टैंकर भेजते हैं। बता दें कि इसके साथ ही कंपनी की ओर से कहा गया है कि जो रिपोर्ट आई है उसमें अन्य कारण भी बताए गए हैं, जैसे चारा या पशु दवा के कारण भी ऐसा हो सकता है। उस लैब रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। उस रिपोर्ट में हमारा नाम नहीं है, लेकिन उसमें रिजल्ट के अन्य कारण भी बताए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी YSR कांग्रेस ने आज हाईकोर्ट में एक अर्जी देकर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के दावे की जांच करवाने की मांग की है। बता दें कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू का इतिहास 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। तिरुपति बालाजी में भगवान को चढ़ाए जाने वाले लड्डू एकदम ताजे होते हैं। ये लड्डू कई दिनों तक खराब नहीं होते हैं। प्रतिदिन करीब 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। लड्डू बनाने के लिए मंदिर परिसर में ही एक खास जगह तय की गई है। इन लड्डुओं को कोई आम रसोईया नहीं बनाता, बल्कि जो रसोईया इस लड्डू को बनाता है उन्हें पोटू कहा जाता है। ये लड्डू आज भी कई वर्षों पुराने पारंपरिक तरीके से बनाए जाते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर तिरुपति मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं का क्या कहना है, सुनिए। तिरुपति मंदिर में आने वाले भक्तों की आस्था पर चोट आखिर किसने पहुंचाई? हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ आखिर किसने किया? ये सवाल टाइम्स नाउ नव भारत बार बार इसलिए उठा रहा है क्योंकि जैसे ये खबर सामने आई कि तिरुपति में प्रसाद के रूप में दिया जाने वाला लड्डू में मछली का तेल, सुअर की चर्बी और बीज की चर्बी का इस्तेमाल जो है वो किया गया, यानी अडल्ट्रेटेड घी का इस्तेमाल कर उसमें एनिमल फैट का भी इस्तेमाल किया गया। ये खबर जैसे ही तिरुपति के इन भक्तों के बीच पहुंची तो मानो पूरी तरह से ये हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट इनके लिए था, क्योंकि जिस श्रद्धा के साथ इस मंदिर में वे दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तिरुपति बालाजी के, लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का ये बयान सामने आता है कि पिछली सरकार के दौरान इस तरह से लड्डुओं के साथ जो है खिलवाड़ किया गया और साथ ही मछली का तेल और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया, तो ऐसे में इन भक्तों का ये सवाल उठाना भी लाजमी है कि आखिर हिंदुओं के इन भक्तों की आस्था के साथ ये खिलवाड़ क्यों, और आखिर कौन था इसके पीछे और किसने ये खिलवाड़ किया। जिस मंदिर में न जाने कितने ही करोड़ों का डोनेशन जो है वो पहुंचता है इन भक्तों के माध्यम से, उस मंदिर में अगर इस तरह से प्रसाद में मानो इस तरह का ये मिश्रण जहाँ पर जानवरों की चर्बी तक का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। ये वो मंदिर है जहाँ पर न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि देश विदेश के तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और इस तरह का ये खिलवाड़ कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी एक और शुरू हो चुकी है, जहाँ पर TDP और YSRCP दोनों ही एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी रख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही उठ रहा है कि आखिर भक्तों की इस आस्था के साथ ये खिलवाड़ आखिर क्यों किया गया। अच्छा नहीं लगता हमको कि ये बता रहे, ये सच नहीं लगता हमको, हमको सच नहीं लगता कि इस लड्डू में मिलावट होगी। पिछली सरकार के दौरान अगर हुआ है, क्योंकि उस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि मछली का तेल का इस्तेमाल हुआ उसमें, तो जब आपको ये पता चलता है जो लड्डू आप अपने गांव तक लेके जाते हैं, अपने घर तक लेके जाते हैं, उसमें इस तरह का मिश्रण अगर आप सुनते हैं तो कितना दुख लगता है? बहुत दुख लगता है। बाहर से फोन आया, गांव से फोन आया कि आप प्रसाद मत लेके आओ, ऐसा आया फोन मिलावट है, आप प्रसाद मत लो दीदी, आप प्रसाद मत लो। मैं अभी पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ, अभी 10 साल से आ रहा था मैं इधर। इससे पहले तो हमें मालूम नहीं था कि ऐसे मछली का तेल यूज़ करते वगैरह ये सब, पर हमारी श्रद्धा है खाली हमारी भगवान के ऊपर, श्रद्धा लड्डू के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली ये जो अभी लड्डू है
गवर्नमेंट जो है अपने अथॉरिटी, उन्होंने पूरे डीप तक इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। उसमें अगर कुछ निकलता है तो जो लोग इसके पीछे है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर जो श्रद्धालु है वो खाली भगवान के लिए आते हैं, लड्डू के लिए कोई भी नहीं आता इधर। यही खाली निवेदन है गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी जो इसमें जो सस्पेक्ट है उनको ढूंढ निकाल के उन पे कार्रवाई की जाए। ये गलत है, ये अफवाह है, मुझे तो लगता है ऐसा हो नहीं सकता यहाँ पर। रिपोर्ट में ये साबित हुआ है सर। तो ये हमें मालूम नहीं है क्योंकि हम अपने आस्था से आते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए, और हम वही आस्था से हम लोग लड्डू बिड्डू घर पे लेके जाते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर होना, अगर हुआ है तो बहुत गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बस आप क्या कहेंगे? नहीं, जो बात हुआ है वो गलत है, ये बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये साबित हुआ है। लेकिन हमें तो लगता है हमारे दिल से हम लोग, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ लोगों ने जो जिन लोगों ने उस लड्डू में ये मिलाया उन्होंने भक्तों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया है? हुआ, पक्का खिलवाड़ किया है। अगर ये सही बात है तो उन्होंने खिलवाड़ किया ही है, भक्तों के आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है उन लोगों ने। आप क्या कहेंगे? जी ये बहुत गलत हो, किया होएगा तो बहुत गलत किया है, ये नहीं होना मांगता है। और क्योंकि आप बहुत प्रेम से लड्डू जो है अपने घरों तक लेके जाते हैं, तो ऐसे में कितना दुर्भाग्यपूर्ण लगता है आपको जब इस तरह की खबरें आती है कि ना मछली का तेल मिलाया गया है या एनिमल फैट मिलाया गया है? नहीं नहीं, ये हम लोग को अभी मालूम पड़े, आप बोल रहे थे अभी, हम लोग बम्बई से आए, मतलब कल से आए, हमको अभी मालूम नहीं न्यूज क्या हो गया। लेकिन ये हुआ है, बहुत गलत हो गया, नहीं होना मांगता ऐसा। आप क्या कहेंगे? ये आपके माध्यम से हमको पता चल रहा है, हम इसके बारे में तहकीकात करेंगे और आपको सही जो रहेगा उसमें हम बोलेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि भक्तों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हुआ है? देख की और मालूमात करके आपसे कुछ बोलेंगे। भगवान के प्रसाद में ये सब हम लोगों को बहुत ही अब एकदम श्रद्धा टूट जाती है, क्योंकि हम लोग को इतना आदर सत्कार और विश्वास है सब भगवान पे। और लड्डू आज हम लोग 10 लड्डू लेना था, हम लोगों ने 5 ही लड्डू लिया, लेकिन कितना खराब लगता है, हिंदू श्रद्धा हम लोगों की खत्म होती है, ये सब बहुत गलत है। आप क्या कहेंगे जब आपको पता चलता है कि जो प्रसाद आप अपने घर तक लेके जाते, अपने यू नो अलग अलग शहर से आप आते हैं प्रसाद लेकर जाते हैं, लेकिन ये खबर मिलती है कि मछली का तेल है उसमें? बहुत बुरा लगता है, और हमने इस बार एक भी प्रसाद नहीं लिया, क्योंकि मन में वो बात आ जाती है थोड़ा सा जो ये बात है, तो जिसको हम लोग ये करते हैं वहाँ पे अगर ऐसा गंदा गिनौना काम होता है तो बहुत बुरा लगता है। हम लोग सिर्फ फ्री वाला प्रसाद लिए हैं, बाकी एक भी नहीं खरीदे जो कि 10 खरीदने वाली थी। जी आप क्या कहेंगे, किस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण लगता है आपको? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है इस बात को, किसने बोला ये बात है? ये रिपोर्ट में साबित हुआ है, रिपोर्ट में पूरा आया है कि सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया है, गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया है, और मछली का तेल, हालांकि अभी नहीं लेकिन जो पिछले कुछ सालों में जो पिछली सरकार के दौरान जो हुआ था उस दौरान ये इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे में कितना बुरा लगता है आप जब भक्त लोगों को ये पता चलती है? बुरा तो लगता है, एक तो ऐसी इंसान इतना थक जाता है मंदिर में, और इतना सब भीड़ ज्यादा न, मतलब मुझे इतना व्यवस्था नहीं जमी मंदिर की, जितना पैसा आज मंदिर में आता है, जितना ट्रस्टी है, जिस हिसाब से मैनेजमेंट होना चाहिए उस हिसाब से मुझे मैनेजमेंट नहीं लगा, सुधार की जरूरत है।